राधे राधे बच्चों, अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉर्क। काफी कॉन्सेप्चुअल है। टॉर्क का रोटेशन मोशन में वही काम है जो ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स का था। तो फोर्स किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करता था या करने की कोशिश करता था। तो ठीक उसी तरह से टॉर्क रोटेशनल मोशन में किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। तो टॉर्क को हम क्या कहते हैं? इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा अलग वे में समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी कॉपी को एक बार ऐसे देखा और एक बार ऐसे, तो कॉपी जो है आपकी टेबल पे पड़ी है, आप उस कॉपी को ऊपर से देख रहे हो तो ये कॉपी का टॉप व्यू है। कॉपी टेबल पर ही पड़ी है, लेकिन अब आप थोड़ा सा साइड में से होके देख रहे हो तो ये कॉपी का साइड व्यू है। अब क्या हुआ, बड़े ध्यान से समझना। कॉपी इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। आप क्या करो, एक पेन लो, उस कॉपी के बीच में, जो जैसे ये पेन है आपके पास में, ओके, यहाँ पे उसका स्टार, अपने साइड में पेन आता है ना बड़ा मस्त वाला, तो उसकी ये पिन पॉइंट यहाँ पे रखो, यहाँ पे पिन पॉइंट रखो और बहुत ज्यादा नहीं दबाना, थोड़ा सा हल्का सा दबाओ जिससे कॉपी ऐसे ऐसे घूम सके। तो कॉपी जो है अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। तो अब क्या हुआ, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। क्या हुआ कि आपने एक बार जहां पे आपने पेन से पिन पॉइंट किया है, ठीक उसके यहां पर फोर्स लगाया, ये फोर्स के एक्शन लाइन उस पेन से होके जा रही है। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, कोई रोटेशन नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि एक्शन लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जा रहा है। अब आपने पेन को, मतलब पेन तो यहीं पे है पिन पॉइंट, आपने फोर्स यहां लगाया, ठीक है, जिससे फोर्स की एक्शन लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन से न जाके किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जा रही है। तो अब देखिए, आप ऐसा करके आपको कॉपी बाकायदा इस तरह से रोटेट होते हुए मिलेगी। अब अपन ने जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सके उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर फोर्स लगाया, तो यहां पर सेम फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम रख रहे हो, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्शन लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको कि लीवर आर्म कहते हैं। तो लीवर आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने लीवर आर्म बढ़ा दिया, मैग्नीट्यूड सेम रखा, लीवर आर्म बढ़ाया, करके देखो क्या महसूस होगा। तो बॉडी विल रोटेट वेरी इजीली, है ना। तो जैसे जैसे हम फोर्स के एक्शन लाइन को एक्सेस ऑफ रोटेशन से बढ़ाते जाते हैं, बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आसानी से आता है। इसी कॉन्सेप्ट को एक बार वापस हम यहाँ पे समझते हैं। अच्छा देखो, ये जो हमारे समझने का था ये 3 डायमेंशन में था। इस चीज के लिए मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा जिससे और ज्यादा इजी आपको समझ में आएगा। अभी उसको ऐसा समझते हैं भाई, ये पॉइंट है जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं और इस एक्सिस के, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ये है। यहाँ पे हमने फोर्स इस तरह से लगाया कि ये उसकी एक्शन लाइन है। तो हमारे पास में पोजीशन और फोर्स के बीच में एंगल हुआ थीटा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर साइन थीटा, जिसे हम आर परपेंडिकुलर भी कहेंगे, जो कि लीवर आर्म है, ठीक है। तो लीवर आर्म क्या होती है, वापस समझ रहे हैं, फोर्स की एक्शन लाइन की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लीवर आर्म कहते हैं। अब इसी चीज को एक और समझे, सेम कॉन्सेप्ट है, ओके। हमने यहां पर एक्सिस लाइन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स यहां पे लगा रहे हैं बेटा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हुए, एक एफ पैरेलल, एक एफ परपेंडिकुलर। अब सपोज मान लो बॉडी यहां से पाइवोटेड है, तो किस फोर्स की वजह से रोटेट करेगी? क्या एफ पैरेलल इसकी वजह से रोटेशन आएगा? नहीं आएगा। एफ परपेंडिकुलर की वजह से रोटेशन आएगा। तो एफ पैरेलल की वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है।
अब हम इसको समझते हैं। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एफ कॉस थीटा की जो एक्शन लाइन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जा रही है। आगे समझते हैं बेटा, टॉर्क का मतलब हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसको हम टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ से बताएंगे, हम इसको आर एफ साइन थीटा एन कैप लिखेंगे। जहां पर एन कैप क्या है? एन कैप हो गया परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से इसके डायरेक्शन देखी जाती है। ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है जो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम देखेंगे। तो जो फॉर्मूला हमारे पास था टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, हम उसको दो तरह से समझ सकते हैं, एफ मल्टीप्लाइड बाय आर साइन थीटा। तो ये जो आर साइन थीटा है ना बच्चे, ये आर साइन थीटा एक्शन लाइन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम इसको एफ इंटू आर परपेंडिकुलर समझ सकते हैं। या दूसरा तरीका आर इंटू एफ साइन थीटा। अभी एफ साइन थीटा क्या है बच्चे, समझो फोर्स का पोजीशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पोजीशन वेक्टर ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो फोर्स का उस पोजीशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो यहां पर ये हमारे पास हो गया आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो अब देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो भाई न्यूटन इंटू मीटर, अपने को मालूम न्यूटन मीटर जूल होता है। बात समझ में आई? लेकिन खबरदार, ये जूल नहीं है। तो भैया हर न्यूटन मीटर जूल नहीं होता। इसी पर एक मूवी का नाम बेस्ड है, गाना है, हर टैक्सी वाला राजा हिंदुस्तानी नहीं होता भाई, ख्याल रखना। तो हर न्यूटन मीटर जूल नहीं होगा। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। तो टॉर्क एंड वर्क बोथ हैव सेम यूनिट, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है, यूनिट भी सेम है, लेकिन नेचर अलग है। टॉर्क जो है वेक्टर है, वर्क स्केलर है। एक इंपॉर्टेंट भाई, टॉर्क की डायरेक्शन देखनी है ना, तो जहां पर ऑब्जर्व पॉइंट, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा होगा, जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जहां पर फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी एक्शन ऑफ लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन लिखो आप कि भैया, अभी देखो एक डायग्राम आएगा उससे समझते हैं। तो ऑब्जर्व पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्शन लाइन, और फिर हम राइट हैंड इसको रूल अप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए हमारे पास में ये दो डायग्राम है, बिल्कुल सेम है, दोनों में सेम प्लैंक है जिसको हमने मिडल पॉइंट से पाइवोटेड किया हुआ है। अब अगर हमने यहां पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो आर ये रहा, आर क्रॉस एफ करोगे टॉर्क की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी और प्लैंक क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग कि टॉर्क क्लॉकवाइज है, ये बहुत बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। टॉर्क क्लॉकवाइज नहीं है मेरे बच्चे, टॉर्क तो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, आपके चेहरे से दूर जा रहा है। ओके, अब यहां पर अगर हमने फोर्स लगाया तो प्लैंक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। टॉर्क किस तरफ है प्लेन के? देखो ये आर ये एफ, तो आर क्रॉस एफ प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ आएगा। तो बॉडी यहां पे एंटी क्लॉकवाइज घूमी है ना, टॉर्क प्लेन के परपेंडिकुलर आउट बढ़ा। तो यहां पर देखो दोनों ही केस में प्लैंक सेम है, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक बार इसके इस तरफ था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का इस तरफ आ गया। दोनों ही केस में टर्निंग इफेक्ट सेम हुआ, लेकिन टॉर्क दोनों ही केस में डिफरेंट है। ठीक है, तो दो तीन बार अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो। एक दूसरे वीडियो में मैं इसको प्रैक्टिकली और समझाऊंगा, उसको भी देखना। राधे राधे बच्चे।